तो क्लासरूम ऑफ द इलाइट का मेन कैरेक्टर क्योटेका आयनकोज एक हाईली इंटेलिजेंट कैरेक्टर है जो कि इमोशन तो बिल्कुल ना के बराबर ही दिखाता है। यहाँ तक कि वो किसी को टूल की तरह यूज करने से भी कतराता नहीं है। मैनिपुलेशन तो उसके लिए आम सी बात है, लेकिन सवाल है आयनकोज ऐसा क्यों है, आगे क्या है उसकी बैक स्टोरी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे द कम्प्लीट ओरिजिन ऑफ क्योटेका आयनकोज। क्योटेका असमी आयनकोजी और मीका का बेटा है, जहाँ उसके पैदा होते ही उसके मॉम डैड का डिवोर्स हो जाता है क्योंकि असमी मीका को यूज कर रहा था ताकि वो अपने बेटे को एक सीक्रेट प्रोजेक्ट व्हाइट रूम में यूज कर सके। मतलब समझ रहे हो, लोगों को टूल्स की तरह यूज करना इनकी खानदानी परंपरा है। फिर असमी मीका को 50 मिलियन येन पकड़ा के रफा दफा कर देता है, लेकिन जाने से पहले मीका अपने बेटे का नाम क्योटेका देती है। सिर्फ 2 साल की उम्र से ही क्योटेका को व्हाइट रूम में एंटर किया जाता है एज ए टेस्ट सब्जेक्ट, जहां उसे मिला के टोटल 74 स्टूडेंट्स थे। यहां इन्हें कई राउंड्स क्लियर करना था, अगर तुम कोई राउंड क्लियर नहीं कर पाते हो तो तुम सीधा बाहर। खैर यहां इन पे कई टेस्ट किया गया और 4 साल की उम्र तक आते आते 74 से 64 स्टूडेंट ही रह जाते हैं। जहाँ पहले रिटर्न एग्जाम में क्योटेका 24th प्लेस पे था, नेक्स्ट सारे रिटर्न एग्जाम में वो फर्स्ट पोजीशन में रहा। जब आयनकोजी 5 साल का हुआ तब स्टूडेंट की संख्या घटके सिर्फ 85 हो गया था। ऐसे ही व्हाइट रूम में दिन गुजरते आते हैं, लेकिन इस बार ही क्योटेका ग्रुप डिस्कशन में बातें करना बंद कर देता है और दूसरों को सिर्फ ऑब्जर्व करता है। और इस बार के रिटर्न एग्जाम में क्योटेका अपने पेपर ब्लैंक छोड़ के आता है। जब रिसर्चर्स पूछते हैं उसने ऐसा क्यों किया, वो एक्सप्लेन करता है यहाँ स्कोर मैटर ही नहीं करता है और ये तो इंस्ट्रक्टर्स के ऊपर है कि वो कब और किसको निकालते हैं। सभी रिसर्चर्स इम्प्रेस हो चुके थे क्योंकि आज तक किसी ने भी उनके मोटिव को इतने एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं किया था। लेकिन असमी कहता है दोस्त हु डोंट रिवील देयर टैलेंट्स आर फूल्स, क्योंकि असमी को क्योटेका के एक्चुअल एबिलिटी को देखना था। 6 साल की उम्र में उनका वर्चुअल रियलिटी टेस्ट हुआ जिसमें भी क्योटेका हर एक राउंड को क्लियर कर देता है। फिर स्विमिंग टेस्ट में भी वो फास्ट आता है, तब उसके क्लासमेट्स आके उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, लेकिन क्योटेका कहता है इंस्ट्रक्टर अभी उसे फास्ट है, वो 6 साल की उम्र में बेस्ट उम्र था और मैं आज तक स्विमिंग नहीं सीख पाया। फिर इसी बात कई विजिटर्स की नज़र क्योटेका के ऊपर पड़ती है और उन्हीं में से एक थे नारुमी सकायानागी और उनकी बेटी आरिसु सकायानागी। इनको तुमने सीजन 2 में दिखा ही होगा। खैर व्हाइट रूम में टाइम गुजरता जाता है और 4th जनरेशन के सिर्फ 3 ही स्टूडेंट बच जाते हैं, यूकी, सीरो और क्योटेका, जिनमें से यूकी को बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि वो एक रिटर्न एग्जाम में फेल हो गई थी। फिर सीरो भी कहता है वो ड्रॉप आउट लेना चाहता है और अपनी जिंदगी आज़ादी से जीना चाहता है। और सीरो के बाहर होते ही क्योटेका एक लौता ऐसा बच्चा बन जाता है जो कि 9 साल की उम्र तक व्हाइट रूम को सरवाइव किया। फिर असमी आके पहली बार क्योटेका का कहता है कि वो उसका पिता है, लेकिन क्योटेका कहता है उसने ये चीज पहले से गेस कर ली थी। यानी क्योटेका को पहले से ही पता था कि असमी उसका पिता है। और असमी नोटिस करता है क्योटेका कोई भी इमोशन शो नहीं कर रहा है और इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे क्योटेका के दिमाग में ये चीज बैठ गई थी कि लोग उसके लिए सिर्फ टूल्स के अलावा कुछ नहीं है। फर्क नहीं पड़ता कैसा सैक्रिफाइस करने की जरूरत है, फर्क नहीं पड़ता किसकी सैक्रिफाइस करने की जरूरत है, इस दुनिया में जितना ही सब कुछ है। फिर 14 साल की उम्र में आयनकोज व्हाइट रूम से बाहर आता है क्योंकि व्हाइट रूम को टेम्परारी क्लोज कर दिया गया था। बाहर यूकी उसे मिलने आती है, लेकिन वो उसे मिले बगैर ही चला जाता है और कहता है आई डोंट केयर फॉर दोस हु आर ड्रॉप आउट एंड लीव द क्लिनिक। असमी चाहता था क्योटेका व्हाइट रूम से ही अपनी पढ़ाई पूरी करे और अंत में व्हाइट रूम का कंट्रोल लेके एक पॉलिटिशियन बन जाए। इस बात से अनजान की क्योटेका के दिमाग में तो कुछ और ही प्लान्स चल रहे हैं। असल में क्योटेका व्हाइट रूम को छोड़ के एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है और उसे एक चांस मिलता है जब उनका बटलर ने कहा उसको एडवांस नर्चरिंग हाई स्कूल में पढ़ाई करनी चाहिए जहाँ उसके फादर नहीं पहुँच सकते हैं। आयनकोज ऐसा ही करता है और एंट्रेंस एग्जाम में वो हर एक पेपर में 50 out of 100 स्कोर करता है ताकि उसे कामों का अटेंशन ना मिल जाए। लेकिन 50 स्कोर करने की वजह से उसे एडमिशन नहीं मिलती है, लेकिन स्कूल चेयरमैन नारुओमी सकायानागी के कहने पर उसे स्कूल में एनरोल कर दिया जाता है। और आगे की स्टोरी तो तुम्हें आने में देखने के बाद पता चल गई होगी। तो यही थी कंप्लीट ओरिजिन ऑफ क्योटेका आयनकोजी। नेक्स्ट किसकी ओरिजिन स्टोरी चाहिए नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, सायोनारा।